वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड गुड मॉर्निंग। सो जैसा कि योगा एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज, जुम्मा वगैरह, हमारी लाइफ में होना, एक रूटीन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमें एक्टिव रखता है, ये हमें फिट रखता है। हमारे इस एक्सरसाइज से, योगा से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी रहती हैं। हम लोग दिन भर का जो दिन होता है ना, वो बहुत अच्छा जाता है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ योगा, और आज की जैसी कि हमारी सिचुएशन चल रही है इस टाइम हमारे देश में, हमारी इंडिया में, तो इस टाइम पे इम्यूनिटी के लिए भी ये चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं। और प्लस आजकल हम लोग कहीं जा भी नहीं रहे हैं, तो मुझे पता है सुस्ती भी आती होगी। तो इन चीज़ों को करके, योगा करके, कोई भी योगा कर ले, जुम्मा कर ले, एक्सरसाइज कर ले कोई भी, तो ट्रस्ट मी, आप पूरे दिन एकदम फिट एंड फाइन रहेंगे। तो ये ऐसी चीज़ है जो हमारे डेली रूटीन में ज़रूर आनी चाहिए। तो बस कुछ इसी तरीके से, कुछ थोड़े थोड़े से योगा वगैरह जो है, मैं घर में डेली ही करती हूँ, क्योंकि आजकल बाहर जाना हो नहीं पा रहा है, तो मैं घर में ही इनको कर लेती हूँ। और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं शुरू किया है, तो आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी, चाहे आप 15 मिनट दें, चाहे आप 10 मिनट दें, लेकिन कम से कम अपने आप को आप 10 से 15 मिनट ज़रूर देखें। तो आप खुद को, आपको खुद को एहसास होगा कि आप अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा चेंज, अपने आप को कितना फिट, फाइन और हेल्दी देख रहे हैं। सो यहाँ पे कुछ ऐसी ही एक्सरसाइज मैं करती हूँ। बस मॉर्निंग का शुरुआत जो है वो मेरी कुछ इसी तरीके से होती है, और आप लोगों की कैसी होती है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसमें एक अनुलोम विलोम और एक ओम का जो हम श्वासन करते हैं, उस तरीके से कुछ एक्सरसाइज मैं करती हूँ। तो बस यहाँ पे मॉर्निंग जो है वो मेरी स्टार्ट हो गई है। उसके जस्ट मॉर्निंग के बाद जो है, मैं समझ ही गए होंगे कि आज मैं है आप लोगों से अपना मॉर्निंग का रूटीन जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो मेरे मॉर्निंग के रूटीन में एक्सरसाइज भी मेरा एक रूटीन है। एक्सरसाइज करने के बाद मैं यहाँ पे लूंगी वार्म वाटर, उसके साथ लूंगी तुलसी का अर्क, जो कि मैंने आई थिंक लास्ट ब्लॉग में आपको बताया था काफी अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैं आधा कप लूंगी गर्म पानी, और उसको जो है हल्का सा वार्म कर लेंगे, पीने लायक, काफी अच्छा होता है। और उसमें डाल दूंगी मैं 2 से 3 अर्क जो है पानी के, सॉरी तुलसी के, नॉट पानी के। और उसी के साथ साथ मैं अपने साइड में जो है, मैंने रात में ही वॉशिंग मशीन में कपड़े जो है वो डाल के रख देती हूँ। मैंने कवर वगैरह जो भी थे मेरे गद्दे के, वो मैंने रात में ही डाल के उसको सर्फ में करके रख दिया था, तो साइड में मैं अपने कपड़े भी जो है वो धोने के लिए लगा देती हूँ। No, I'm the one who's giving it.
मैंने अपनी वॉशिंग मशीन को ऑन किया और आप लोगों को अपने छोटे छोटे प्लांट से मिलवाया। तब तक मेरा पानी भी जो है वो गर्म हो चुका है, तो मैं यहाँ पे इंजॉय कर रही हूँ मॉर्निंग में अपना वार्म वाटर। और प्लांटिंग मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, एक दिन बन जाता है इनको देख कर। तो बस उसके जस्ट पानी पीने के बाद 5 से 2 मिनट में बैठती हूँ और उसके बाद स्टार्ट कर देती हूँ मैं अपनी झाड़ू लगाना। तो बस यही मैं कर रही हूँ यहाँ पे, तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ फटाफट से, उसके बाद में मिलती हूँ आपसे। मैं आ चुकी हूँ किचन में और गैस करिए कि आज मैं आपके साथ कौन सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने वेजिटेबल वगैरह सारा कुछ जो है वो कट कर लिए थे और जो मैंने कॉर्न्स थे वो बॉईल कर लिए थे हल्का सा नमक डाल के। तो यहाँ पे मैं इन सारी ही सब्जियों को जो भी मैंने कट करी है वो सारी सब्जियां जो है मैं सॉटे कर लूंगी, थोड़ा सा हाफ फ्राई कर लूंगी लाल होने तक इनको। नॉर्मल हल्का सा ऑयल डाला है मैंने और इन सारी सब्जियों को जो भी मैंने ऑनियन कैप्सिकम और कैरेट और इसके अलावा भी जो भी आपको सब्जी पसंद है आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखूंगी, तो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज व्हाइट सॉस पास्ता। कोई भी बाहर का व्हाइट सॉस मैं यूज़ नहीं करूँगी, व्हाइट सॉस भी जो है वो मैं घर पर ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे जो भी मेरे पास वेजिटेबल थे थोड़े थोड़े से वो सारे मैंने कट कर लिए हैं, उसके बाद इनको मैंने हाफ फ्राई कर लिया है, हल्का सा सॉटे कर लिया है। तो यहाँ पे ये कलरफुल वेजिटेबल कितने प्यारे लग रहे हैं ना, एडिटिंग कर रही हूँ लेकिन देखने में बहुत प्यारे लग रहे हैं। और व्हाइट सॉस पास्ता भी बहुत टेस्टी बना था, तो फिर से यमी यमी सा फील आ रहा है। तो बस यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट फटाफट से रेडी कर दूंगी। 10 बजे तक से पहले ही मुझे जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी करना होता है, क्योंकि 1 जुलाई से स्कूल जो है वो ओपन हो चुके हैं। बच्चे भले ही स्कूल नहीं जा रहे हैं लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जो है वो उनकी होने लगी हैं, डेली होती हैं, तो प्रॉपर उन्हें टाइम पे बैठना होता है अपनी बुक्स बैग सब कुछ लेके। तो वहां पे भी उनको बच्चों को जो है वो लंच वगैरह सॉरी ब्रेकफास्ट वगैरह उसको जो है कृष्णा को मैं रेडी करके उसको शावर वगैरह दिला के उसको भी फटाफट से दूध वगैरह देके ये सारे काम जो है वो मुझे 10 बजे तक फिनिश करने होते हैं, क्योंकि उसके बाद बाय टू बाय एक के बाद एक जो है उसकी क्लासेस कंटिन्यू 2 से 3 घंटे की होती हैं, उसमें वो बिजी हो जाता है तो फिर ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं मिलेगा। और इसीलिए जो है यहाँ पे मैं व्हाइट सॉस पास्ता बना रही हूँ। तो उसी सेम कढ़ाई में मैंने सब्जी जो है वो निकाल ली है और उसी में मैंने हल्का सा ऑयल था मैंने बटर डाला है। आप चाहे तो कोई भी ऑयल जो भी आपको पसंद है, एज यूजुअल जो भी आपको मतलब पसंद है आप वो डाल सकते हैं। तो इसमें मैंने 2 चम्मच मैदा डाली है जिसे हम लोग मठरियाँ बनाते हैं, वो मैदा मैंने इसमें डाली है। इसको रेड होने तक मैं इसको अच्छे से भूंज लूंगी। जब ये भून जाएगी तो आपको अलग से एक महक आएगी बहुत अच्छी सी सौंधी सौंधी सी, तो तब भी आप समझ जाइए कि आपका जो मैदा है वो अच्छे से भून चुका है। तो बस यहाँ पे मैं इसको फटाफट से भूंज लूंगी। ये देखिए यहाँ पे मेरा जो मैदा है वो अच्छे से भून चुका है। तो यहाँ पे मैंने 1 ग्लास दूध लिया है, नॉर्मल टेम्परेचर पे है, रूम टेम्परेचर पे है, फ्रिज का एकदम ठंडा दूध नहीं लिया है मैंने यहाँ पे, रूम टेम्परेचर पे मैंने यहाँ पे दूध लिया है 1 ग्लास। दूध जो है वो एकदम से पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे, कोशिश करें इसमें गांठी ना पड़े किसी भी तरीके की। और इसको इस तरीके से अगर आपके पास है लाने वाला तो उसमें उससे आप करें तो उससे आप बिल्कुल भी इजीली आप इसको जो है घुमा पाएंगे, इसको अच्छे से बना पाएंगे। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे बना रही हूँ व्हाइट सॉस। सबसे पहले मैं व्हाइट सॉस को जो है वो रेडी करूंगी इस तरीके की। आई थिंक बहुत मोस्ट ऑफ द बच्चों को जो है वो इस तरीके की रेसिपीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है पसंद हैं, तो मैं भी कोशिश यही करती हूँ कृष्णा को कि आजकल बच्चे जो है वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं और बच्चों के भी मन उब गए हैं। जब बड़ों के मन उब गए हैं घर रहते रहते तो मुझे लगता है कि बच्चों के भी उब गए होंगे, तो मैं कोशिश करती हूँ कुछ ऐसा ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कि बच्चों को फील ना हो कि हम लोग घर में हैं बोर हो रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा है। तो मैं कोशिश करती हूँ कोई ना कोई रेसिपी जो है वो शेयर करूं।
तो यहाँ पे इसको गाढ़ा होने तक, इसको थोड़ा सा थिक होने तक, इसको हम बिल्कुल स्लो फ्लेम में, ये वाला सारा प्रोसेस जो है वो बिल्कुल हमें स्लो फ्लेम में करना है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली, जो मोटी वाली होती है ना वो, ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च का पाउडर। उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी पिज्जा हर्ब्स, जो कि नॉर्मली हमें शॉप्स वगैरह पे जो पिज्जा की सिजलिंग होती है ना वो, और इसको अच्छे से मैं चला लूंगी। ये सारा प्रोसेस हमें स्लो फ्लेम में करना है। उससे पहले, इससे आगे बढ़ते हैं, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और थोड़ा सा भी अगर आपको पसंद आता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। सो प्लीज इसी तरीके से बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बस जो भी मैंने सब्जियां यहाँ पे सॉटे करी थी वो मैंने डाल दिया है, उसी के साथ साथ मैंने जो कॉर्न को बॉइल करके रखा था वो भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। 1 से 2 मिनट इसको चलाना है बस। यहाँ पे मेरा व्हाइट सॉस जो है वो रेडी हो चुका है। जो मैंने पास्ता बॉइल करके रखा था, पाइन वाला मैंने यूज किया है, यहाँ पे जो पाइप वाला होता है वो वाला, उसको मैंने बॉइल किया है। याद रखना, जब भी आप बॉइल करें तो हल्का सा इसमें ऑयल डाल के इसको बॉइल करें, वो चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना भूल गई हूँ। उसके बाद हल्का सा ठंडा पानी, ताकि आपस में चिपके ना। अगर ये आपस में चिपक जाते हैं ना तो फिर ये एकदम से चिपके चिपके से और एकदम से ना मैस से हो जाते हैं। ऐसे क्या होता है, ये ठंडे पानी एकदम से आप डाल देंगे तो एकदम सेपरेट, एक एक आपको जो आपका पास्ता है वो एकदम अलग आएगा। तो बन गया मेरा पास्ता, आ जाइए और आप लोग। ब्रेकफास्ट हो चुका है, सभी लोगों का ब्रेकफास्ट हो चुका है। कृष्णा के बहाने सभी लोग जल्दी कर लेते हैं। वैसे भी 10 बजे तक ऑलमोस्ट हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, कृष्णा का भी सारा कुछ हो चुका है और कृष्णा जो है उसकी क्लासेस का टाइम हो चुका है। तो कृष्णा जो है अपना लैपटॉप वगैरह ऑन कर रहा है और फिर बस इसी तरीके से फिलहाल तो अभी कृष्णा की क्लासेस चल रही हैं। और आई थिंक ये वाला प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन वाला प्रोसेस बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अभी इस टाइम ये सिचुएशन नहीं है कि इतने इतने छोटे छोटे बच्चों को हम लोग भेजें, क्योंकि उनको इस जो ये सिचुएशन आजकल चल रही है उसके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता है। आई नो बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, कृष्णा भी बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कब मैं स्कूल जाऊँगा, डेली पूछता है। लेकिन बच्चों को समझाना हम माँ बाप का काम है। तो बस यहाँ पे कृष्णा की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है और इसी के साथ साथ कृष्णा अपनी क्लास अटेंड करेगा और थोड़ा सा इसको हैंड ओवर करना पड़ता है, थोड़ा सा हैंडल करना पड़ता है। बहुत चीज़ें बच्चों के लिए अभी नहीं है, हम लोगों के लिए नहीं है, इवन टीचर्स के लिए भी सारी चीज़ें नहीं हैं। तो यहाँ पे ये मस्ती भी इस तरीके से करने लगता है। तो बस यहाँ पे इसकी आज 2 क्लासेस थे, फर्स्ट इज योर साइंस क्लास एंड सेकेंड इज योर आर्ट क्लास। तो बस यहाँ पे ये अपनी क्लास को इंजॉय कर रहा है, थोड़ा सा अच्छा लगता है बच्चों को भी। बट हाँ, बच्चे स्कूल बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। सो बस यही था आज का मेरा ब्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें, अपने घरों में रहें। टिल देन स्टे हैप्पी, बाय बाय।